सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। आपको जैसे पता ही है कि पिछले समय में जब पंजाब में अकाली भाजपा की सरकार के दौरान विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज द्वारा तहसील कम्प्लेक्स में किसी मामले को लेकर उस समय के तहसीलदार को फटकार लगाई गई थी और अब सरकार बनने के बाद उन्होंने इलाके की जनता से ये वायदा किया था कि किसी भी विभाग व अन्य जगह पर किसी भी प्रकार की करप्शन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी के चलते विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज जी को यह शिकायत प्राप्त हुई कि राजपुरा के मिनी सचिवालय में साइकिल स्टैंड के ठेकेदारों की ओर से सरकार द्वारा तय की गई दो पहिया वाहन व चार पहिया वाहनों की फीस से दो गुना पैसा जनता से इकट्ठा किया जा रहा है और मिनी सचिवालय में किसी भी जगह पर सरकार द्वारा तय किए गए रेटों के बोर्ड नहीं लगाए गए। इस पर आज राजपुरा के मिनी सचिवालय में माननीय एसडीएम श्री संजीव कुमार की कोर्ट में नए वर्ष के लिए साइकिल स्टैंड की बोली रखी गई थी, जिसमें लगभग 6 लोगों ने उक्त साइकिल स्टैंड को लेने के लिए ड्राफ्ट जमा करवाए थे। जब उक्त बोली होने से पहले ही विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज के दिशा निर्देशों अनुसार ब्लॉक कांग्रेस प्रधान श्री नरेंद्र शास्त्री अपनी टीम के साथ एसडीएम ऑफिस पहुंचे और उन्होंने राजपुरा के एसडीएम से यह प्रार्थना की कि आप इन ठेकेदारों को उक्त शर्तें पढ़कर सुनाएं ताकि यह ठेका शुरू होने से पहले मिनी सचिवालय के परिसर में सरकार द्वारा तय किए गए रेटों के बोर्ड लगाए जाएं ताकि ये ठेकेदार लोगों से अधिक पैसे वसूल ना कर सकें। जिस पर राजपुरा के एसडीएम श्री संजीव कुमार ने उक्त शर्तों को 2 से 3 बार ठेकेदारों को पढ़कर सुनाया और उक्त बोर्ड लगाने की भी बात ठेकेदारों के सामने साफ कर दी, जिस पर 6 में से किसी एक ठेकेदार ने भी उक्त बोली नहीं दी और उक्त ठेके की रकम को ज्यादा बताकर मौके से चले गए। इस संबंधी पहले आपको सुनाते हैं कि ब्लॉक कांग्रेस प्रधान श्री नरेंद्र शास्त्री ने विधायक जी द्वारा उन्हें क्या दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसकी वजह से यह सारा मामला सुर्खियों में आया। सुनिए क्या कहते हैं श्री नरेंद्र शास्त्री। शास्त्री जी, जिहड़ी अजे साइकिल स्टैंड स्कूटर स्टैंड वगैरह की बोली सी मिनी सैक्रेटरीट च, ये कैंसल हो गई है, इहदी क्या वजह है, क्यों कैंसल हुई है? इहदी वजह है कि पिछले साल जदों बोली हुई थी तो दो पार्टियां ने आपस में कंपीटिशन करके बोली ले ली सी बहुत महंगी और उसके बाद उन्होंने बहुत ज्यादा पैसे चार्ज किए लोगों को, 20 रुपये कार वाले तो 10 रुपये स्कूटर वाले तो मोटरसाइकिल वाले। एम एल ए साहब न जो इस गल का पता लगे तो उन्होंने कहा कि जो भी बोली होगी ना तुम जाके उत्थे बैठ के जेडे भी बोली देने वाले बंदे होंगे उन्होंने पहला दस दौ कि असी जरा वध रेट चार्ज नहीं कर देंगे, अपना सोच समझ के बोली लो। 10 रुपये और 5 रुपये सरकारी रेट हैगा जो मंजूरशुदा रेट हैगा, इसे रेट पर जरा है चार्जिंग किए जाएंगे तो जेडे भी बोली देने वाले सज्जन ने अज उन्होंने असी दसा सी कि वध पैसे नहीं चार्ज कर दिते करन दिते जाणगे, इस करके उन्होंने राज बोली ने तो मनाही कर दी कि बोली महंगी है और बढ़ जाता है, इस करके अज बोली कैंसल हो। की दा रेट कटाया जाएगा जी अगे फिर? नहीं, रेट तो देखो जो सरकार जो इन्हों का प्रोसीजर है सरकारी तौर पर, क्योंकि ये लॉजिक नहीं है कि जे दो पार्टियां जिद करके महंगी बोली लैके तो लोगों पैसे चार्ज कर देंगे, जरा फिक्स प्राइस है वो तो सेम रहना है, फिक्स रेट है। शास्त्री जी, यही काम जो है राजपुरा सिविल हस्पताल भी हो रहा है कि वो थोड़ी नॉलेज है का, भी उत्थे भी पैसे चार्ज ले जा रहे हैं? उत्थे भी जो है उन्होंने शर्तें सी मंगावांगे। हाँ जी, हाँ जी, शर्तें 20 रुपये है ना बहुत ज्यादा करके डी साहब को सिखा के उसको कट करो। ठीक है जी, 20 रुपये बहुत ज्यादा है, नजायज। ठीक, आइए अब आपको सुनाते हैं उक्त बोली को करवाने वाले राजपुरा के एसडीएम श्री संजीव कुमार का इस मामले में क्या कहना है। एसडीएम साहब, जेडी अज साइकिल स्टैंड दी स्कूटर दी बोली होनी सी, ये किसी वजह ना रद्द हो गई, मतलब कैंसल हो गई, तो इस बारे च मतलब की कहना चाहोगे क्यों कैंसल हुई सारी ये बोली? तो जी है सी, सरकारी बोली असी रखी सी 6,30,000, क्योंकि पिछले साल जी 17-18 का ठेका सीगा वह गया सीगा 6 लाख दे, उस तो पुरानी जी 15-16 का सी जिहड़ा वह घट सीगा 2 लाख समथिंग सी, ते 6 बंदिया ने 10 बजे तक सानू जिहड़े ड्राफ्ट दिते सीगे पर उन्होंने 6:30 दे बोली दे तो इनकार कर दिया, ते उन्होंने एक ना आरोप लाया भी कोई टाइमिंग भी निर्धारित सी भी 4 बजे टाइमिंग नहीं, 10 बजे तक जिन्हें ड्राफ्ट देने सीगे उस तो बाद 10 बजे तो बाद 11 बजे भी की जा सके। एसडीएम साहब, इहदी शर्तां की हुंदियां हैगियां? शर्तां इह ने, सिर्फ 2 शर्तां ने, जिहड़ा पार्किंग प्लेस आ उहनूं साफ रखण, प्लस 2 व्हीलर तो 5 रुपए चार्ज करनगे, 4 व्हीलर तो 10 रुपए। ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਜਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਰੇਟ ਇਹੀ ਫਿਕਸ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹੀ।
ठीक है। इस ठेके की बोली देने आए ठेकेदारों से भी न्यूज 89 ने बात की कि उन्होंने आज ये ठेका क्यों नहीं लिया, तो उन्होंने बताया कि आज साइकिल स्टैंड दी जड़ी है पूरे बोली सी मिनी सेक्रेटरी च वह देने आए थे। की वजह रह गई भी कैंसल क्यों हुई है बोली? ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਅਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੇਟ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਰਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਠੇਕਾ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 6,30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੇਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 3-4 ਹੋਈਆਂ। ਦੱਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਰਾਫਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ 4 ਵਜੇ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਰਾਫਟ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 4 ਵਜੇ ਬੋਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਹੀ ਰੂਲ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਅਤੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੋਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਹੋਗੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਬੋਲੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 10 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਹੈ 5 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 20 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, 15 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੋ ਰੇਟ ਸੀਗਾ 15 ਰੁਪਏ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, 10 ਰੁਪਏ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਆ ਰੂਲ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕੇ ਬੋਲੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਛਾ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨ ਜੋ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਤੱਕ ਹੈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਰਾਫਟ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਦਰ ਸੀਗੀ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਸੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ, ਨਿਊਜ਼ 89। सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए धन्यवाद।